नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो EPS 95 पेंशनर का जो आंदोलन चल रहा है, जिसको नाम दिया गया है महासंपर्क आंदोलन, जिसमें कि जो सभी जो मंत्री हैं दोस्तों, उनसे मुलाकात की जाएगी। और ये आंदोलन है आपका 7 दिसंबर से दोस्तों आपका स्टार्ट हुआ है, और आपका 31 जनवरी तक ये आंदोलन है वो चलने वाला है, जिसके तहत बड़े बड़े जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हो, श्रम मंत्री हो, कल्याण मंत्री हो, सभी से यहाँ पर बात की जाएगी। और EPS 95 के तहत आने वाले 65 लाख बुर्ज जो वृद्ध EPS पेंशनर हैं, उनकी जो मांगों को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर मांग की जा रही है। इसको लेकर दोस्तों समय समय पर तहसील, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक धरना आंदोलन होते रहे हैं दोस्तों। इसको लेकर कोसाइटी कमेटी की भी गठन किया गया था, जिसमें कि रिपोर्ट दी गई थी कि पेंशन वृद्धि के लिए रिपोर्ट दी गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला EPS पेंशनरों के पक्ष में सुनाया था कि EPS पेंशनरों की वृद्धि की जाए पेंशन में, लेकिन अभी पेंशन का इंतजार है कि पेंशन में वृद्धि कब होगी। इसको लेकर दोस्तों EPS 95 पेंशन क्या है, इसके तहत दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर में आने वाली कंपनियां हैं, तो 16 नवंबर 1995 को EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आने वाली सभी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को लॉन्च किया था। ये एक पेंशन स्कीम है जो प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन या जो जीवन यापन के सहारे के उद्देश्य से बनाई गई थी, जो कर्मचारी में निश्चित मासिक पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों अभी जो पेंशन के नाम पर सिर्फ उन्हें 1,000 रुपये ही यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और जो अधिकतम पेंशन है वो दोस्तों वो यहाँ पे 1,500 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत कम है। ऐसे में जो बुजुर्ग पेंशनर हैं उनके लिए यहाँ पर जो खर्चे लाना बहुत ही यहाँ पर कठिन हो रहा है। तो कोरोना काल में तो और ज़्यादा कठिन है, क्योंकि दवाइयों का खर्च इसमें बहुत बढ़ जाता है। तो इसको लेकर भी पेंशनरों की मांग है कि इनकी जो पेंशन है दोस्तों वो 7,500 रुपये की जाए। इसी के साथ जो उनको मुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं दोस्तों, जो फ्री मेडिकल है, वो भी यहाँ पर दिए जाना चाहिए। आप देख सकते हैं प्रमुख मांगे, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये प्रमुख मांगे हैं आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि 7,500 रुपये और फ्री मेडिकल सुविधा भी जो कर्मचारियों के परिवार को उनको प्रदान की जानी चाहिए। इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो वास्तविक और महंगाई भत्ता भी पेंशन के साथ दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उनको जो पेंशनर हैं 65 लाख, उनको लिए अभी कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं सामने लेकर के आ रही दोस्तों। इसमें कि पेंशनरों का मांग है कि उनकी जो पेंशन है 7,500 रुपये की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम पेंशन अभी दी जा रही है, जिससे कि उनका खर्च है वो आसानी चल पाए। और जो न्यूनतम पेंशन है दोस्तों वो 5,000 यहाँ पर करनी चाहिए। तो देखते हैं सरकार आपकी बातों को कितना ध्यान देती है दोस्तों। जहाँ तक है 2021 जनवरी 2021 में आपके लिए नई जो अपडेट आ सकती है, आपके लिए जो खुशखबरी सरकार दे सकती है, क्योंकि उसके अगले 2-3 साल बाद आपके चुनाव भी हैं। तो सरकार को देखते हुए क्या इसमें EPS 95 को देते हुए जो पेंशन में वृद्धि करेगी या नहीं करेगी, ये देखने वाली बात होगी। जैसे कोई EPS 95 संबंधित कोई भी अपडेट आती है दोस्तों, मैं चैनल पर अपडेट कर देता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर आपको EPS 95 से संबंधित पल पल की अपडेट है मैं कराता रहता हूँ। आप खामियाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, EPS 95 पेंशनर में क्या क्या खामियाँ हैं, तो इन खामियों को यहाँ पर सरकार को पूरा करना चाहिए और उनकी मांगों को मांगना चाहिए। हम भी इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे दोस्तों। मैं आपके लिए वीडियो ऐसे लाता रहूँगा और आपकी आवाज़ है वो बढ़ाता रहूँगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भले वीडियो को लाइक करना लेकिन शेयर जरूर करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो पहुँच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।